आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। तीन नए कृषि कानूनों को लेकर जो विरोध है वो गहराता जा रहा है, लगातार जो किसान है वो डटे हुए हैं। 13वां दिन आज है जब किसानों का ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच भारत बंद का ऐलान किया गया है और आज जगह जगह से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, पूरे देश भर से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जहां पर कहीं पर इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है तो कहीं पर आंशिक तौर पर इसका असर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर विपक्षी पार्टी की ओर से रेल ट्रैक्स को बंद कर दिया गया है, रेल सेवाएं बाधित कर दी गई हैं। कई जगहों पर हाईवे पर लंबा लंबा जाम लगा हुआ है, वाहनों की लंबी कतारें वहां पर लगी हुई हैं, लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन सबके बीच 24 ऐसी राजनीतिक पार्टीज हैं जिन्होंने समर्थन किया है इस बंद का। खासतौर पर कांग्रेस की बात कर ली जाए, आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए, श्रोमणी अकाली दल की बात कर ली जाए जिसने एनडीए का साथ अपने रास्ते को इसीलिए अलग किया किसानों के मुद्दे पर, चाहे वो बात कर ली जाए अन्य किसी भी विपक्षी पार्टी की। 24 कुछ ऐसी पार्टीज हैं, समाजवादी पार्टी भी, बीएसपी भी, जो कि किसान के साथ इस वक्त बंद को लेकर इस वक्त खड़ी नजर आ रही है। हालांकि किसानों की ओर से स्पष्ट तौर पर यह बात कह दी गई है कि देखिए हमारा ये मंच और हम राजनीतिक इस्तेमाल इजाजत यहां पर कतई नहीं देंगे और हम किसी भी तरीके से इसका राजनीतिक इस्तेमाल होने नहीं देंगे। लेकिन विपक्ष इसको लेकर आक्रामक लगातार नजर आ रहा है। भारत बंद का जो आह्वान किया गया उसमें किसानों की ओर से ये बात सीधे तौर पर कही गई है कि किसी भी तरीके से हम जनजीवन को प्रभावित नहीं करना चाहते हैं। इसलिए जो वक्त सुनिश्चित है वो 11 से 3 बजे तक का है, यानी कि 11 से 3 बजे तक चक्का जाम, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो अपने ऑफिस इस वक्त में पहुंच जाएंगे और इसी वजह से इन रूट्स को जो बंद किया जाएगा वो 11 से 3 बजे का, और ये बंदी की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा ये भी बात कही गई कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, एम्बुलेंस है और शादी का सीजन है और ऐसे में जो बारातें अगर जाती हैं कहीं पर तो उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोका जाएगा। किसानों का ये कहना कि बस शांतिपूर्वक विरोध दर्ज कराना चाहते हैं ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंचे। इन सब के बीच कल मीटिंग होनी है, 6ठे दौर की बातचीत, और कब और कैसे निकलेगा हल, कब थमेगा यह आक्रोश, इसका इंतजार इस वक्त समूचा देश कर रहा है। आप क्या कुछ सोच रहे वीडियो पर कॉमेंट करके हमें जरूर बताइए, लाइक और शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें, हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।